नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो से पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शोल्डर की लाइन और स्लीव की लाइन एक दूसरे के साथ किस तरह परफेक्ट मैचिंग की जाती है और ये कटिंग करके भी दिखाया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और देखिए इस वीडियो में मैं स्टिचिंग करके किस तरह लाइन मैच करनी है ये दिखाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो आर्म होल है शर्ट का, इसका सेंटर निकालना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह मिला के, फ्रंट और बैक इस तरह मिला के यहाँ सेंटर निकालना है। ये सेंटर हो गया शर्ट बॉडी आर्म होल का। ठीक उसी तरह ये देखिए यहाँ शर्ट की स्लीव कटिंग करते वक्त मैंने ये सेंटर निकाला था। तो देखिए ये सेंटर और ये सेंटर अभी इस तरह रख के सबसे पहले देखिए ये दोनों सेंटर एक दूसरे को मिलाने हैं और लाइन भी मिलानी है। देखिए इस तरह ये जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ सेंटर के पास मिलती है, तो इस तरह ये बिल्कुल परफेक्ट मिलाकर ये देखिए इस तरह। ये देखिए ये पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ लाइन भी मैच करनी है कच्ची सिलाई के साथ। ये देखिए और ये बस शोल्डर तक ही लगा लेनी है इस तरह। अब इसे फिर एक बार देख लेना है ये जो लाइन है परफेक्ट मैच हुई है या नहीं। ये देखिए इस तरह। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जो सामने वाला आर्म होल है वहाँ की स्लीव बिल्कुल बैठती है या नहीं। ये देखिए इस तरह। ये देखिए ये जो दो सूत है यहाँ, ये जो एक्स्ट्रा है ये स्लीव का कपड़ा, यहाँ हम थोड़ा नम देंगे। ये देखिए जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ था उसे आगे छोड़ के यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह ये शोल्डर और ये स्लीव की लाइन बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे को मैच हो गई है। ये देखिए दोस्तों इस तरह ये परफेक्ट मैच हो गई है, ये ग्रे वाली और ये लाइट ग्रीन वाली लाइन। उसी तरह देखिए इसका सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह यहाँ से जोड़ के इस तरह ये सेंटर निकाल लेना है। वही सेंटर आएगा जिस तरह यहाँ आया था, वही सेंटर यहाँ आएगा। अब देखिए स्लीव का भी सेंटर पहले से ही चुटकी मार के रखी थी इस तरह। ये देखिए ये सामने वाला कर्व है,
स्लीव का, तो ये शर्ट के सामने आएगा और ये सेंटर की चुटकी और ये स्लीव की सेंटर की चुटकी इस तरह मिला लेनी है। और उसके साथ जो लाइन है वो भी देखनी है, देखिए इस तरह बिल्कुल चुटकी और लाइंस एक साथ मिल गई है। देखिए तो यहाँ इस तरह पकड़ के शोल्डर तक ही जोड़ देना है, ये देखिए इस तरह। सबसे पहले सुई कपड़े में डालकर फिर इस तरह देख लेना है और फिर आगे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाए और बीच बीच में देखते रहे कि लाइन सही मिलती है या नहीं। बस जहाँ तक शोल्डर का पोर्शन है वहाँ तक ही टिप लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ से इस तरह मिला के ये देखिए स्लीव को थोड़ा नम देना है क्योंकि स्टिचिंग के वक्त जो शर्ट की मेन बॉडी है उसे हम खींच लेंगे थोड़ा। ये देखिए इस तरह शर्ट का जो पार्ट है उसे थोड़ा सा ही खींचना है। हमने जो कच्ची सिलाई लगाई है देखिए यहाँ उसके बिल्कुल या इधर की तरफ से अपनी पक्की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों इस तरह ये भी लाइन परफेक्ट मिल गई, देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह। तो दोस्तों इस तरह शोल्डर और स्लीव की लाइन मिलाने का एक सिंपल तरीका मैंने आज इस वीडियो में बताया है। और आपने देखा होगा स्लीव शर्ट की बॉडी को कैसे जोड़ते ये भी देखा, शोल्डर और स्लीव की लाइन किस तरह एक दूसरे के साथ मिलाते ये भी देखा और स्लीव शर्ट को कैसे जोड़ते ये भी देखा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।